एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर एक इंग्लिश लर्नर फेस करता है। आई नो इट बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन फेसेस इट। द प्रॉब्लम इज कि जब भी हम इंग्लिश में कोई बात करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसलेट दैट थिंग इनटू आवर माइंड एंड दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम विच इज़ नॉट गुड। एट सम फेज ऑफ आर लाइफ वी हैव डेफिनेटली फेस्ड इट बिकॉज वी आर हैबिचुअल टू थिंक इन आर नेटिव लैंग्वेज, नॉट इन इंग्लिश। So the issue is this requires a lot of time and the moment vanishes. Let us talk about the instincts of this situation. Is it good or bad? It is bad. Should this happen? No, it shouldn't happen. Will this happen? After watching this video, it's not gonna happen. In this video, I'm going to share some tips and rules with which this problem can go away. So watch this video till end. One thing I'm going to clear you here, this is not going to happen in click of a finger. It will take continuous practice. Firstly, it is going to take a lot of time in translation, but slowly it will become lower and lower and eventually it will vanish. Okay, tell me one thing. Do you know how to drive? Aapko driving aati hai? I think most of you would definitely know how to drive. So tell me the first day when you started driving. जब पहले दिन आपने ड्राइविंग सीखी थी, डेफिनेटली द पर्सन जो आपको सिखा रहा था उसने आपको बताया होगा कि दीज आर द क्लच, द गियर्स, द स्पीड, द ब्रेक एंड एवरीथिंग, हाउ टू कीप डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स, किससे कितनी दूरी रखनी है, कैसे मोड़ना है एंड एवरीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत मुश्किल लग रहा होगा, डेफिनेटली हम कोई भी चीज़ सीखते हैं हमें मुश्किल लगती है। जस्ट टेल मी, जब आप उस दिन ड्राइव कर रहे थे, द फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्टेड ड्राइविंग एंड टुडे, उस टाइम आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, डर डर के चलाना पड़ रहा था, बट टुडे इज इट सो? इट इज नॉट। उस दिन जितना आप सोच सोच के चला रहे थे, क्या आज भी वैसे ही चलाते हैं? नो, इट्स नॉट द सेम। सेम इज द केस विद इंग्लिश। स्टार्टिंग में डेफिनेटली यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में सीखने में, बट इवेंचुअली व्हेन यू विल प्रैक्टिस ऑल दीज डिफिकल्टीज विल गेट सॉल्वड। ओके, डू यू गेट माई पॉइंट? कि स्टार्टिंग में आपको जितना मुश्किल लगेगा उतना आपको अब मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज व्हेन यू विल प्रैक्टिस योर ब्रेन इज गोना गिव यू सिग्नल्स दैट यू आर डूइंग दिस कंटिन्यूअस, इट विल नॉट रेजिस्ट द चेंज इवेंचुअली एंड वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो देयर इज गोना कम वन डे व्हेन इंग्लिश विल फ्लो आउट ऑफ योर माउथ वेरी फ्लुएंटली, बट ये होगा कैसे? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी, बट आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपने लास्ट 30 डेज में या लास्ट 2 मंथ्स में आपने इंग्लिश को कितना टाइम दिया? लास्ट 1 मंथ में क्या आपने अपनी इंग्लिश को 30 आवर्स दिए? एंड आई वॉन्ट टू एड वन थिंग हियर कि अगर आपने इतना टाइम अपनी इंग्लिश को दिया होता, सो टुडे यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। आई एम नॉट सेइंग यू विल बिकम अ परफेक्शनिस्ट, बट या यू कैन डेफिनेटली लर्न द बेसिक नेसेसरी इंग्लिश। ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू अनदर फिगर। द फिगर इज ऑफ 1000 आवर्स। You have to give 1000 hours to English. A few years ago, I have read a book. In that book, it was written that अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है ना and you want to become perfectionist over that, you have to give it 10,000 hours. But मैं यहाँ बात कर रही हूँ सिर्फ 1000 hours की, because we don't have to become a perfectionist over it. हमें सिर्फ basic English सीखनी है. So we will take the figure of just about 1000 hours. अगर आप 1000 hours अपनी English को देते हैं, then you are definitely going to speak fluent English without any translation in your mind. Okay, one more thing जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप English बोलना चाहते हैं without any hesitation and with full confidence, that is effort and expectation. Okay, tell me one thing very honestly, कि आप English सीखने के लिए efforts कितने करते हैं and उसके comparison में expectations कितनी रखते हैं? I guess the level is efforts are only 10% and the expectation goes to 90%. That's very high. And the ratio is too uneven, I guess. So, हमें क्या करना है? अपनी expectations को थोड़ा कम रखना है and increase your efforts towards English. Then only the thing would come to level. We don't have to keep a disturbed ratio. Stop expecting so much from yourself at an early stage. Unless you give 1000 hours to anything you wanna learn, nothing big is gonna happen at all. Okay, being your tutor this time, I have a homework for you. The homework is you have to practice English speaking in front of a mirror. Let's first break the hesitation towards ourselves. Afterwards, we will talk about breaking the hesitation to the outside world. So, what you have to do is
stand in front of a mirror of your room and speak to yourself for nearly about 10 minutes only in English. Okay, it's only 10 minutes I'm asking you for. And once you have done this homework, come back to the video and tell me in the comment section below that you have done this. Keeping a record of your own growth is somewhat difficult. It's better if someone else is watching over you. Okay, so what you have to do is just practice every day. Continuous practice is very important. So keep practicing every day. Then tell it to me. I will be more than happy for you. Hit the like button if you like this video. And honestly, today's video was my favorite. Do subscribe to my channel for more such videos. Don't forget to hit the bell icon. Bye bye. Take care of you and your family.